गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। हम लोग की एग्जाम समाप्त हो गई है, तो हम लोग अपने क्लास की तरफ चलेंगे। और क्लास में आज हम लोग पहले क्लास के मैथ पढ़ेंगे। सब्जेक्ट मैथ्स, पेज नंबर, ठीक है। और हेडिंग जो है एक्सरसाइज 10 मन। पेज नंबर आपका हो गया 131 दिया हुआ है आप लोग को। यहाँ पे दिया हुआ है इंडियन करेंसी इज द फॉर्म ऑफ रुपीज एंड पैसे। इंडियन करेंसी क्या है? रुपीज एंड पैसे, ये तो आप लोग को मालूम होगा। तो रुपीज एंड पैसे आर इन द फॉर्म ऑफ कॉइंस एंड नोट्स। तो आप लोग कुछ खरीदने जाते होंगे तो आप लोग के पास नोट भी होते होंगे और क्वाइंस भी होते हैं। जैसे 10 के नोट्स भी होते हैं और 10 के क्वाइंस भी होते हैं, है ना। टू, पहले टू के क्या थे? नोट्स भी थे और क्वाइंस भी। 5 के नोट्स भी और क्वाइंस भी है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ क्वाइंस में दिया हुआ है 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपीज, 10 रुपीज। तो यहाँ पे देखिए 1 रुपीज, 2 रुपीज और 5 रुपीज के यहाँ नोट भी है, क्वाइंस भी है। आप लोग इस पेज नंबर को खोल के अपने सामने देखेंगे, ओके। और आप लोग को यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे 10 रुपीज। तो 10 रुपीज के नोट पे किसकी पिक्चर है? गांधी जी के हैं। 20 रुपीज, 50 रुपीज, 100 रुपीज, 200 रुपीज, 500 रुपीज, 2000 रुपीज। तो 2000 रुपीज का क्या है? करेंसी, सॉरी क्वाइंस है या नोट्स है? तो क्वाइंस नहीं होगा, 2000 का नोट्स होगा, ठीक है। अब इसमें दिया हुआ है, आप लोग इसको कुछ ऐसे है जो आप लोग नोट करेंगे या ओरल आप लोग लर्निंग कर लीजिए। तो 1 रुपीज में कितने पैसे मिलाएंगे जो 1 रुपीज होंगे? कितने पैसे मिलके 1 रुपीज होते हैं आप लोग बताएंगे? अगर मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम है तो 100 पैसे, 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपीज या 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे। देखिए 1 रुपी, रुपी इक्वल टू 100 पैसे, ठीक है। 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसे। तो इसमें देखेंगे यहां पे द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर क्लियरली ट्रू। यहां पे टू, अब आप लोग ध्यान देंगे 50 पैसे क्वाइंस। 50 पैसे क्या है? 50 पैसे, 50 पैसे, 50 पैसे, 50 पैसे के 2 क्वाइंस है, ठीक है। 2 क्वाइंस है 50 पैसे के। तो 50 पैसे के 2 क्वाइंस है तो कितने पैसे बनेंगे? 1 रुपी, 2 50 पैसे का क्वाइंस, क्वाइंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 रुपी। देखेंगे आप लोग यहां पे है 2, ठीक है। 2 50 पैसे, यहां पे 50 पैसे क्वाइंस इक्वल टू 1 रुपी। अगर मेरे पास 4 50 पैसे के 4 क्वाइंस है तो कितने रुपीज बन जाएंगे? तो आप कर सकते
प्राइस है, तो 1 रुपीज हो गया, तो 2 रुपीज में 4 क्वाइंस बने जाइए कितने, इसके 50 पैसे के, ठीक है। अब इसमें दिया हुआ है लीजिए 4 25 पैसे क्वाइंस, 25 पैसे के 4 क्वाइंस है मेरे पास, क्या है 25 पैसे के 4 क्वाइंस है, तो 4 क्वाइंस अगर हो गया 25 पैसे के, तो रुपीज इक्वल टू रुपीज कितने हो जाएंगे, 1 रुपीज हो जाएंगे। तो 25 देखिए 4 है, 25 हम देख लेंगे, 25 4 बार अगर आता होगा वैसे कर लेंगे प्रॉब्लम, तो 25 पे 4 क्वाइंस है, ठीक है 1 2 3 4। अब सबको हम ऐड करके रखेंगे यहाँ पे 20, तो 0 और 1 0 यहाँ और 2 इसमें हम ऐड करेंगे 100। फिर यहां पे दिया हुआ है आज की क्लास में बस।